पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्वप्रथम हम कल, क्योंकि विजय दिवस था, हम सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ऐतिहासिक जीत भारत देश की, हमारी फौज की एक ऐतिहासिक जीत रही, जिस जीत ने दुनिया को, भूगोल को बदलने का काम किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि कल जब देश की सरकार ने 1971 की जीत की खुशियां मनाई, तो उन्होंने देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया और इंदाजी को याद नहीं किया। ये वैसे ही होगा कि हम ये कहें कि भाई कारगिल के समय वाजपेयी जी नहीं थे और बालाकोट के समय मोदी जी नहीं थे। अगर वो ये बात स्वीकारते हैं तो वो इंदाजी के योगदान को भुलाने का उनको इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन हमने तो दुनिया के भूगोल को भारतवर्ष ने हम उसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, बदलने का काम किया था इंदाजी के नेतृत्व में, हमारी फौज के नेतृत्व में। प्रत्येक देशवासी को उसका श्रेय है, मगर ये भूगोल छोड़िए तो इतिहास बदलने के प्रयास कर, एक ये बात हो गई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में हम, हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया है, हमारे AICC के सचिव इंचार्ज जी, जो पूरा संभाग क्षेत्र है वो तौकीर आलम जी इंचार्ज हैं हमारे। मैं स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य हूँ, 3 सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा हुआ है, प्रियंका दी जी के की सलाह मशवरे से। और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हर जगह प्रत्येक प्रत्याशी से, प्रत्येक सीट, प्रत्येक विधानसभा और जिला, सारे समीकरणों का आकलन करके सबसे बेहतरीन प्रत्याशी उतारें। प्रत्याशियों के चयन में जो आज प्रक्रिया आप देख रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ें प्रमुख हैं। एक, संगठनात्मक सक्रियता कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों तक लेके जाने के लिए, लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए किसकी क्या भूमिका रही। और दूसरा, विनेबिलिटी, किस प्रत्याशी की जीतने की जितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं उनको, वो बात का भी, उस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से 2 ऐसे मापदंड हैं, इन मापदंडों पर हम सारे प्रत्याशियों का, कैंडिडेचर का आकलन कर रहे हैं। और कड़ाके की ठंड में आज जाडा काफ़ी है, आपने देखा है। ऐसी परिस्थिति में जो हजूम आप देख रहे हैं सुबह से उमड़ के आया है प्रत्याशियों का, वो संकेत इस बात का है कि जमीनी स्तर पे कांग्रेस पार्टी जो ग्राफ बढ़ा है पिछले दिनों में, वो बात, क्योंकि आप लोग को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मीडिया भी उस बात को दिखाए, हम ये आशा अपेक्षा करते हैं। इसलिए आपको हमने आते ही गुड़ और जो है मूँगफली आपको जो है हम दे रहे थे। तो कहने का मतलब, हमारा जो ग्राफ बढ़ा है उसका आप देखिए, ये जो हजूम आज सुबह से शाम हो गई और शायद रात को 12 बजे तक भी ये प्रत्याशियों की जो भीड़ है, ऐसा लगता है कि सब हमसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक उस बात का एक प्रतीक है। मैं सारे प्रत्याशियों का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों ने भी धैर्य से इंतजार किया, धन्यवाद। यही बात है। देखिए इसमें काशी विश्वनाथ हम सबके आस्था का एक केंद्र है और उसमें कोई भी पार्टी आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, अपने अपने तरीके से काशी विश्वनाथ की भव्यता में कुछ योगदान दे तो हम उसका, हमें खुशी है उस बात की, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुद्दे जो चुनाव के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, इन मुद्दों पे भी प्रदेश जवाब मांग रहा है। अजय कुमार मिश्र टैनी जी के इस्तीफे का मुद्दा है, मैं समझता हूँ इन मुद्दों पे भी जो है जवाब दिया जाए। और जब भगवान के घर में जाएं तो भाजपा के सभी नेता इस बात पे मंथन करें, जो लोग ऐसी साजिश
रच रहे थे जिसमें भारत देश के नागरिकों को कुचला जा रहा था, जान से मारा जा रहा था, तो उन परिवारों को भी न्याय दिलाने के बारे में उन लोगों को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस का स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सवाल इसलिए भी जरूरी होता है कि महिलाओं की भागीदारी 40% की बात की जा रही है और कर्नाटक विधानसभा में लेट और मजबूत की बात है। मैंने जैसे कहा, जो आपने एक प्रश्न पूछा, इत्मीनान से उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया, और भी कोई अगर आप जो है मैं समझता हूँ हमारा देखिए मोटी मोटी सारी बात आ गई। अब इन बात जो है क्या 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 देखिए, ये जब आएगी आने जा रही है क्या अर्थ नहीं होते, जब इस पर कोई कानून आएगा उस पर चर्चा होगी। मैं एक स्वयं सांसद हूँ तो उस चर्चा में मैं भागीदारी लूँगा और आप संसद टीवी के माध्यम से है जब ये आएगा तब उसको देखेंगे। आखिरी सवाल था, जब महिलाओं की भागीदारी की बात की जा रही है, युवाओं की भागीदारी की बात की जा रही है, ऐसे कार्यकर्ता जी 25-30 साल हो गए पार्टी में, आपने उससे पहले मैंने ये दो चीज़ें नहीं देखी सुनी आपने। मैंने कहा दो मापदंड जो सबसे महत्वपूर्ण है, संगठनात्मक सक्रियता और कांग्रेस पार्टी में कितना योगदान रहा और विनेबिलिटी, ये हमें ये मापदंड बताए गए हैं। इन दो मापदंडों के अनुसार हम सारे प्रत्याशियों को, इनकी मापदंडों के नज़रिए से सारे प्रत्याशियों को देख रहे हैं। उसके बाद लक्ष्य दिए गए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमारा एक मुख्य ध्येय रहा है पार्टी का, और ये एक ऐसी चीज़ है, ये धर्म जाति किसी चीज़ में कांग्रेस पार्टी इनके आधार पर या इनके दृष्टिकोण से अपनी राजनीति नहीं करती। तो महिलाओं में हर वर्ग की, हर धर्म की, हर जाति भाषा भूषा की महिलाएं इसमें शामिल हैं, युवाओं में हर धर्म भाषा भूषा के जाति के युवा शामिल हैं। तो हम अपने विचारधारा को लेकर हम अडिगता से उस विचारधारा पे चल रहे हैं, और जैसे राहुल जी ने जयपुर में कहा, अंततः सत्य हमारे साथ है, क्योंकि सच्ची विचारधारा वही विचारधारा है, और हम उस विचारधारा को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं, और उम्मीद है कि प्रदेशवासी, उत्तर प्रदेशवासी उस बात को समझें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान पर उन्होंने लड़कियों को लेकर एक बयान दिया है कि अगर उनकी उम्र शादी करने की उम्र 21 वर्ष की जाएगी तो वो लड़कियाँ आबादी करेंगी और शादी सबसे ज़्यादा दोषी वही है और वही रहेंगी, क्या कहना है, क्या मानना? देखिए ये अभी मुख्य इस विषय पे मैंने पहले अपना बता दी बात, अभी जब एक बार ये विषय आने दो तो कोई बात होगी। इस तरीके के बयान अगर अब किसने क्या कहा मुझे, हमें जानकारी, पूरी जानकारी लिए बिना मैं, जब मैंने हमारी पार्टी के किसी का बयान बता रहे थे किसी विधायक का, उसकी पूरी जानकारी लिए उस पर कॉमेंट नहीं किया, तो हम दूसरी पार्टियों के बयान के पूरी जानकारी लिए बिना कॉमेंट नहीं करेंगे, और हम तो वही कहेंगे जो आपको हमें कहना है, आप पूछ सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा, उत्तर प्रदेश में अगर नैतिक विपक्ष, अगर नैतिक बल, विपक्ष का नैतिक बल किसी के पास है, विपक्ष का संख्या बल उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो सकता है समाजवादी पार्टी के पास हो, मुख्य विपक्षी दल का संख्या बल विपक्ष का, मगर नैतिक बल अगर किसी के पास है तो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के पास है, जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, ये तो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कई और पहलू हैं टिकट वितरण को लेकर, एक लक्ष्य दिया गया है स्क्रीनिंग कमेटी को हमारे महासचिव इंचार्ज प्रियंका जी द्वारा कि 40% कैंडिडेट्स में से महिलाएँ अवश्य हों, उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए हम अपने सारे प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को ले रहे हैं, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। दूसरा, ये तो एक घोषित लक्ष्य है, एक मौखिक रूप से जो हमें बताया गया है कि युवा प्रत्याशियों को महत्व देनी, तो युवाओं को भी, महिलाओं को 40% कम से कम भागीदारी मिलेगी, साथ ही युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक मजबूत जो है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पे सही मायने में आज उत्तर प्रदेश में
अगर विपक्ष की भूमिका किसने निभाई है तो प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निभाई। बाकी संख्या के बल के अनुसार लखनऊ में मुख्य विपक्षी पार्टी दूसरी भी हो सकती हैं, लेकिन आप सब इस बात के गवाह हैं कि जमीनी स्तर पर उतर के हर वर्ग की लड़ाई अगर लड़के विपक्ष की नैतिक भूमिका किसने निभाई है तो वो प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। इस बात को देख के युवाओं में बहुत जोश है, तो आने वाले समय में मजबूत हो हम इन बातों को देखेंगे। टिकट सर, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने महिलाओं का आवृत्ता देखने का दिया। आज का जो विषय था वो आपके सामने मैंने आज का विषय भी रख दिया, और यद्यपि आपको कुछ राष्ट्रीय कुछ आप में चैनल हो तो मैंने राष्ट्रीय भी जो है 71 का भी जवाब दे दिया। बहुत चीज ऐसी हो रही हैं जो कि देश में पहले कभी नहीं हुई। हम तो इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और सीईसी को मुख्य चुनाव अधिकारी भारत को बुलाया गया पीएमओ द्वारा, केवल वहीं तक सीमित नहीं है। राजनीतिकरण संस्थाओं का केवल वहीं तक सीमित नहीं है, आप संसद में देख रहे हैं। हमने कहा एक साल तक हम कह रहे थे कि किसान के कानून वापस लो, इस पर चर्चा कराओ, कहा चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा MSP पर चर्चा कराओ, कहा चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा जिन किसानों की जान कुर्बान हुई उनको मुआवजे पर चर्चा कराओ, चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा अजय कुमार मिश्र टैनी जी के इस्तीफे पर चर्चा कराओ, अब तो नाम भी साजिश में आ गया उनके लड़के का, क्यों चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा 12 सांसदों का निलंबन हो चुका है, उनकी वापसी पर चर्चा कराओ, कहा चर्चा नहीं कराएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संसद का नाम संसद ना रख के भाजपा का मुख्यालय ये सरकार रखने के बारे में, वो संसद है या भाजपा का मुख्यालय है देशवासी जानना चाहते हैं। तो जब संसद का राजनीतिकरण देख रहा है देश, तो चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी को इस प्रकार से सरकार द्वारा बुलाया जाए, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर, पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।